तो ये ये बहुत बहुत सारे सारे तो बॉटम वेयर है चलो मैं आपको वन वन जल्दी जल्दी दिखाती हूँ और अपना रिव्यू शेयर करती हूँ मुझे कैसे लगी इनकी क्वालिटी कैसे लगी और इनकी फिटिंग कैसे थी सब कुछ हेलो ब्यूटीफुल पीपल वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मेरे नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आज मैं काफी टाइम बाद आ रही हूँ और एक बहुत डी Uh, कह सकते हैं मुझे इस हॉल के लिए बहुत सारे कमेंट आए दी प्लीज़ आप बॉटम वेयर करो मीशो से करो ये करो वो करो तो मैं कोशिश कर रही थी इधर उधर जहाँ से भी बॉटम वेयर अच्छे होंगे तो मैं बेस्ट लाने की कोशिश करूँगी तो यहाँ मैंने फाइनली ऑर्डर करे हैं मीशो से बहुत सारे बॉटम वेयर बहुत सारे नहीं आई मीन टोटल जो है वो सिक्स है सिक्स बॉटम वेयर है जिनमें से आपकी जीन्स भी है कार्गो भी है ट्राउज़र भी है सब कुछ है मतलब मिक्स हॉल है तो इसलिए Uh, मैं बॉटम वेयर ही बोल रही हूँ प्रॉपर मैंने जीन्स और ऐसे कुछ इसीलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि तो चलो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्या आप भी एक्साइटेड हैं अब मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर क्योंकि इधर उधर पर कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहा है और होली के कीर्तन हो रहे हैं तो इसलिए मैंने सोचा वॉइस ओवर करती हूँ यह है मेर, मेरा पहला ऑर्डर यह है एक ट्राउज़र आप देख सकते हैं बहुत प्लेन बहुत सिंपल स्ट्रैची मैं आपको ट्राई ऑन में भी दिखा रही हूँ आप देख सकते हो इसकी बहुत अच्छी खासी लेंथ है इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है क्योंकि मेरी हाइट है फाइव प्रेफरेंस के लिए आपको दे रही हूँ ताकि आप अपने अकॉर्डिंग ले सके और पूरा नीचे तक शूज भी इसने कवर करे हैं और इसकी क्वालिटी की बात करूँ मैं आपको जिप क्वालिटी दिखा रही हूँ काफ़ी अच्छी स्मूद है और स्टिचिंग भी अगर ओवरऑल स्टिचिंग की बात करूँ जैसे ऐसे होते हैं थ्रेड आया हुआ ऐसा कुछ भी नहीं था इसकी लेंथ में आपको दिखा रही हूँ इसकी बॉटम पर मैं आपको फिनिशिंग दिखा रही हूँ मुझे एवरी मतलब सब कुछ मुझे अच्छा लगा ओके okay लगा क्योंकि अंडर थ्री में और हमें क्या ही मिलेगा बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें इनकी डिटेल डाल दूँगी आप देख लेना तो थ्री अंडर थ्री हंड्रेड के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा था स्ट्रेची मटेरियल है और कंफर्टेबल है और यही ये, ये ग्रीन में है इसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं आप जो चाहे कलर ले सकते हैं तो या चलो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ इसके लिए मेरे लिए आप ओके है आप जा सकते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट में मेरे पास है एक वाइट कलर का जीन्स जो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ये भी कार्गो स्टाइल में ही है कार्गो जीन्स है मैं जीन्स के बारे में आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ मुझे जो आता है वो ट्वेंटी सिक्स आता है अगर मैं कहीं भी अरबैनी या कहीं और कुछ और ब्रांड पहनती हूँ इसका मैंने ट्वेंटी सिक्स मंगाया था जैसे मैंने बोला मैं बॉटम वेयर फर्स्ट टाइम मीशो से ऑर्डर कर रही हूँ तो मुझे ना बिल्कुल आइडिया नहीं है मैंने ट्वेंटी सिक्स ही मंगा दिया पर ये मुझे आ नहीं रहा था लग बहुत अच्छा रहा था अगर मैं इसकी क्वालिटी पर जाऊँ इसकी कलर uh, की बात करूँ पॉकेट की बात करूँ डिटेलिंग की बात करूँ सब चीज़ के लिए मैं आपको ओके बोलूँगी पर हाँ साइज़ के लिए बिल्कुल जैसे मुझे ट्वेंटी आता है मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ट्वेंटी एट ऑर्डर करना चाहिए था तो मे बी ट्वेंटी एट मुझे ठीक आता क्योंकि ये मुझे काफ़ी टाइट हो रहा था अगर आप भी बॉटम वियर वहाँ से परचेज़ करना चाहते हैं मैं आपको यही बोलूँगी अपने साइज़ से आप थोड़ा अप जाना क्योंकि रेफरेंस के लिए मैंने आपको बता दिया और इसमें एक क्लोज़र के लिए आपको बटन मिल जाता है साइड में दो पॉकेट मिल जाती है क्योंकि कार्गो है है तो बहुत अच्छा आप देख लो लेंथ भी ठीक है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है पर मेरे मेरे अकॉर्डिंग मेरी हाइट फाइव है तो मेरे अकॉर्डिंग हाइट भी अच्छी थी और बाकी फिटिंग की बात को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें बहुत सही थी बैक पॉकेट देख लो आप बैक साइड में भी आपको पॉकेट है फिनिशिंग अच्छी है मैं सब चीज़ यही आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ और लेंथ भी आ अच्छी खासी है मतलब फाइव फीट वालों को तो बहुत अच्छे से आ जाएगी और उससे अगर जो लंबे हैं फिर उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्ट इसकी नीचे तक की लेंथ आ रही थी एंकल तक की तो या मेरी तरफ़ से क्वालिटी की बात करूँ तो ओके है पर साइज़ का इशू है जैसे मैंने बोल दिया मुझे भी एक साइज़ ऊपर ही जाना पड़ेगा नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास एक कार्गो ट्राउज़र जो आप देख सकते हैं बेस कलर का है और क्लोज़र के लिए आपको एक बटन मिल जाती है इसकी जिप भी मैंने ट्राई करी थी काफ़ी स्मूथ है और ट्राई ऑन में आप देख सकते हैं इसकी भी लेंथ इसकी लेंथ भी ठीक ठाक अच्छी है मेरे हाइट के अकॉर्डिंग अच्छी है आपको साइड में पॉकेट मिल जाएंगे और नीचे पे भी दो पॉकेट मिल जाएंगे क्योंकि कार्गो स्टाइल में है तो अंडर थ्री में आपको पॉकेट्स भी मिल रही हैं और अच्छी क्वालिटी मिल रही है स्ट्रेची मटीरियल है मुझे नहीं लगता ये कुछ भी बुरा है और गर्मी में तो ऐसे जीन्स थोड़ा इची फील कराती है पर ये ट्राउजर का मटेरियल भी ऐसे स्ट्रेची था और अच्छा था फिनिशिंग भी आप देख लो काफ़ी अच्छा था मेरी तरफ से तो मैं इसको भी ओके बोलूँगी आप जा सकते हैं अंडर थ्री हंड्रेड में अगर इतना सही चीज़ मिल रही है फिनिशिंग भी ऐसा चीप नहीं लग रहा था तो मेरी तरफ से ओके है आ, या अब चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ को और इसका मैंने शॉर्ट्स भी डाला था मुझे बहुत लोग ये कमेंट आए थे लिंक के लिए तो प्लीज़ मेरे लॉन्ग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना आ, मैंने सारे लिंक मेंशन किए हैं चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ को इसमें लिखा तो इसको ट्राउज़र ही मैंशन करा है इन्होंने बट मैं अपना अगर पर्सनल रिव्यू दूँ तो ये मुझे ऐसे ना लोअर लगा लोअर जैसे हम घर में यूज़ करते हैं चेक वाला पर आप प्रिंट देखो इसका ऐसे चेक वाला लग तो क्लास ही रहा है नो डाउट अंडर टू हंड्रेड हंड्रेड समथिंग का है इसमें पॉकेट इतनी लंबी लंबी है अब अभी देखना हम मुझे ऐसा लग रहा था जब हम ट्रैवल करेंगे मुझे लगता है बैग ले जाने की जरूरत नहीं है सब कुछ इसी के अंदर भरने के लिए दिया है इन्होंने इतनी लंबी पॉकेट मैंने तो आज तक कभी नहीं देखी तो काफ़ी लंबी पॉकेट थी और फिनिशिंग की बात करूँ तो सबका अच्छा था फिनिशिंग भी अच्छी थी क्वालिटी क्वालिटी तो उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि अंडर टू था ठीक ठाक क्वालिटी थी पर आप प्रिंट देखो यार इसमें दो कलर अवेलेबल हैं आप चाहो तो दूसरा भी ले सकते हो पर मुझे ब्लैक वाला ज़्यादा अच्छा लगा इसको मैंने वाइट क्रॉप टॉप के साथ स्टाइल किया था जो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहा था क्योंकि इसमें वाइट लाइनिंग है तो मुझे तो वो लुक काफ़ी अच्छा लग रहा था आपको कैसा लगा बताना और चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ को नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास है एक जीन्स जो लिटरली इसके लिए भी बस सेम इशू है जो वाइट वाली जीन्स के लिए था साइज़ का इशू है मैं जनरली बोला 20 uh... सिक्स में पहनती हूँ अगर हाई वेस्ट की बात आती है इसमें भी मैंने ट्वेंटी सिक्स ऑर्डर करा था पर क्या कहते हैं मुझे ये भी टाइट है क्लोज़र के लिए क्लोज़र के लिए एक बटन मिल जाता है और आपको एक जिप मिल जाती है पर आप कलर और इसका देखो तो उसे इसकी लेंथ देखो यार मतलब पूरे मेरे शूज़ को भी इसने कवर किया है तो जिनकी हाइट अच्छी खासी है उनके लिए बहुत बेस्ट है और मैंने तो ये रिटर्न कर दी क्योंकि मुझे ये टाइट आ रही थी और पीछे पे भी आपको दो पॉकेट मिल जाती है स्पेस तो सब में भर भर के है आगे पे भी पॉकेट है पीछे भी पॉकेट है और इसका कलर आप देखो और आगे पर आपको थोड़ा डैमेज आ... डैमेज पैटर्न मिल जाता है काफ़ी अच्छा था बस अगर साइज़ का ही मुझे इशू हो रहा है क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बॉटम वेयर ऑर्डर कर रही हूँ तो शायद मुझे पता नहीं है मुझे लगता है मुझे नेक्स्ट टाइम ट्वेंटी एट मंगाना चाहिए अभी मैंने एक्सचेंज तो कर दिया देखती हूँ कैसा आता है और फिनिशिंग देख लो बॉटम पर आप उसकी मुझे काफ़ी अच्छा लगा अगर आप साइज़ एक साइज़ अप करके आप मंगाते हो तो आप डेफिनेटली जा सकते हो इतने कम प्राइस में ये अंडर सेवन मुझे पड़ा था एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे याद नहीं है पर आप लोग चेक कर लेना मुझे आ, मैंने ये ट्राई ऑन में आप देख सकते हैं लूज फिट टी शर्ट के साथ ट्राई किया है आप चाहे तो क्रॉप टॉप के साथ और ओपन शर्ट कर सकते हैं कैसे भी ट्राई कर सकते हो अपने अपने आइडियाज़ हैं कैसे भी वेयर कर सकते हो चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ को नेक्स्ट मेरे पास जो है ये वायरल है काफ़ी ये वायरल हुआ था ये वाला लोअर पर इसका नाम भी लोअर नहीं है इन्होंने बोला है इसको कार्गो पैंट है ये जो काफ़ी ऐसे ना जो काफ़ी हेल्दी लोग हैं उन्हें भी ये आ जाएगा क्योंकि आप खुद ही देखो इतना स्ट्रेचेबल है काफ़ी अच्छी खासी पॉकेट है ये तो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं अपने ट्रैवल में भी यूज़ कर लिया साइड में आपको पॉकेट मिल जाती है और अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है लेंथ मिल जाती है अच्छी सी तो ये ब्राउन है इसमें दो चार कलर और थे बेज था एक ब्लैक था आप कोई भी चाहे कलर ऑर्डर कर सकते हैं मुझे ब्राउन थोड़ा अच्छा लगा था और इसे मैंने क्रॉप टॉप के साथ ही पेयर करा और तो या फाइनली मैंने बॉटम वेयर हॉल कर दिया क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था बॉटम वेयर हॉल करने के लिए तो आज फाइनली मुझे खुशी तो हो रही है क्योंकि लोगों ने बहुत रिक्वेस्टेड हॉल था ये फाइनली मैंने कर दिया तो मैं खुश हूँ आई जस्ट होप आप लोगों को ये बहुत 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 हेल्पफुल रहे और आप इसे बहुत ज़्यादा प्यार दो तो प्लीज़ 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 डू प्लीज, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टिल देन ब बाय लॉट्स ऑफ लव एंड पॉजिटिविटी तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और हो सके तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स फैमिली अपने कलीग्स सबके साथ इस हॉल को शेयर करना hey then, तो या दैट्स इट बाय बाय टेक केयर लॉट्स ऑफ लव एंड पॉजिटिविटी